बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बांद्रा स्थित अपने घर में खुद को फांसी लगा ली। सुशांत सिंह बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे। उनकी इस तरह अचानक मौत की खबर आने से सभी परेशान हैं। आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बिहार के पटना शहर में जन्मे सुशांत का फिल्मी करियर काफी अच्छा चल रहा था। अपने करियर में उन्होंने MS धोनी जैसी हिट फिल्म दी थी। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले सुशांत टीवी और थिएटर में काफी लोकप्रिय बन चुके थे। टीवी की दुनिया में पवित्र रिश्ता जैसे टीवी सीरियल के चलते उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। सुशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपना करियर बनाने के लिए एक्टिंग की तरफ रुख किया था। शुरुआत में उन्होंने बैकअप डांसर के तौर पर काम किया। इसके बाद किस देश में है मेरा दिल इस सीरियल में उन्हें पहला ब्रेक मिला। इसके बाद पवित्र रिश्ता नामक सीरियल ने उन्हें घर घर का चहेता बना दिया। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुशांत ने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा शो में भी हिस्सा लिया। उसके बाद सुशांत को फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली, जहां उन्हें काय पोचे फिल्म में रोल मिला। उसके बाद तो जैसे सुशांत के करियर का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिसमें शुद्ध देसी रोमांस, PK, MS धोनी, किरदारनाथ जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। करियर के लिहाज से बेहद सफल रहे सुशांत की लव लाइफ हालांकि ज्यादा कामयाब नहीं रही। शुरुआत में पवित्र रिश्ता के वो अपने को स्टार अंकिता लोखांडे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें आईं। ऐसा माना गया कि सुशांत के फिल्मी दुनिया के करियर में सफल होने के बाद दोनों के बीच में दूरियां आ गईं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी दिशा चलियन भी एक इमारत से गिरकर मौत हो चुकी थी। पहले बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की थी, फिर पता चला कि दिशा नशे की हालत में थी। अब सुशांत के यूं आत्महत्या कर लेने के बाद बॉलीवुड जगत सहित पूरा देश हैरान है। सुशांत हमारी यादों में हमेशा रहेंगे, PK के सरफराज की तरह और MS धोनी के माही बनके।